अमित भी रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एक बार फिर से नक्सलियों का आतंक देखने को मिला। नक्सलियों ने इससे पहले भी कई बार कायराना करतूत को अंजाम दिया और एक बार फिर से उन्होंने 8 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। क्या इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज है? कितने जवान वहां पर हैं जो तैनात हैं? लगातार जो अभियान है वो यहाँ पर तेज होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि नक्सली जिस तरीके से यहाँ पर अभी उन्होंने जो सीएफ जवानों पर हमला किया था, यहाँ पर बकायदा हैंड ग्रेनेड फेंक कर वहाँ पर कई जवानों को घायल किया था, जिसमें 2 जवान इस समय अभी भी इलाज के लिए रायपुर में इलाज करा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज जिस तरीके से कुछ जो सड़क विकास निर्माण कार्यों को लेकर इनका विरोध नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सड़क निर्माण में लगे वाहनों को आग में फूंका गया, तो कहीं ना कहीं नक्सली अपनी उपस्थिति का एहसास एक बार फिर कराते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आज राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते नजर आएंगे। बकायदा 10:45 पर वो मुख्यमंत्री निवास से रवाना होंगे और 11 बजे निर्धारित स्थान दीनदयाल ऑडिटोरियम पहुंचकर यहाँ राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, जो कि पहली बार छत्तीसगढ़ मेजबानी करता नजर आ रहा है, तो यहाँ पर सभी देश भर के साहित्यकार जुटने वाले हैं और ऐसे में साहित्य को लेकर चर्चा होगी, साहित्य को किस तरह संजोया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आधुनिकता का दौर है और ऐसे में लोग अब कंप्यूटरीकरण में और जिस तरीके से मोबाइल में खोते जा रहे हैं और साहित्य गायब होता जा रहा है, तो साहित्य को संजोने की कवायद राष्ट्रीय महोत्सव में होती नजर आएगी। 3 दिवसीय इस आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। बाकायदा वो 11 बजे से 11:45 तक वहीं रहेंगे और उसके बाद वह निवास के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर वह पर्यटन और संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक भी करते नजर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से अभी जिस तरह समाजों को साधते नजर आ रहे हैं, वहीं विभागों की समीक्षा करते नजर आ रहे हैं, तो एक तरह से कहा जाए कि मिशन 2023 की तैयारियों में मुख्यमंत्री पूरे एक्शन मोड में आ चुके हैं और सभी तरह वह इस समय कसावट लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा भाजपा की, तो भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया है केंद्रीय उड्डयन मंत्री, वो इस समय यहाँ पर दौरे पर है और उनके साथ यहाँ पर 3 और अन्य मंत्री जो कांकेर के दौरे पर हैं। इस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय राजनांदगांव जिले में और राजनांदगांव से वह आज 4 बजे के लगभग रायपुर पहुंचेंगे और यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। वहीं ये सभी मंत्री जो पहुंचे हैं, 4 मंत्री आज यहाँ छत्तीसगढ़ में है, जो केंद्रीय योजनाओं की क्या स्थिति है, किस तरीके से उनका क्रियान्वयन राज्य में किया जा रहा है, इसे लेकर उसका एक पूरा आकलन किया जाएगा और उसके बाद एक सर्वे रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर भाजपा भी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। जी अमित, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस नेता से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है, उनका हालांकि कहना है कि दोस्त के लिहाज से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि कहीं ये मुलाकात सियासी मायनों में तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि चुनाव और उसके बाद उपचुनाव हुए जहां पर लगातार कांग्रेस को जीत मिल रही है, तो क्या यहां पर वो अपनी जमीन तलाशने आए हैं और इसी वजह से ये मुलाकात हुई? देखिए, कहा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सवाल के उसमें कहा था कि यहाँ पर जितने भी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं वो अपनी जमीन तलाशने आ रहे हैं, भाजपा का जनादार ढूंढने नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि केंद्रीय मंत्री अब छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से जनाधार वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में खोया है, तो उसे खोजते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस नेता से मिलन की, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि कांग्रेस पार्टी से लंबे समय तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जुड़े रहे और जिसकी वजह से मध्यप्रदेश में वह मंत्री भी बने और यहाँ पर जिस तरीके से और उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, लेकिन कांग्रेस के साथ जो उनके रिश्ते हैं, जो संबंध है, जो व्यक्तिगत संबंध है, वो कहीं नहीं टूटे हैं। और राजनीति में संबंधों का अपना एक महत्व होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक दोस्ताना संबंध निभाते नजर आए और उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस नेता के साथ मुलाकात की, लेकिन ये एक सौजन्य भेंट थी जिसका कि उन्होंने खंडन भी किया। इसमें किसी भी तरह की राजनीति के मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, व्यक्तिगत मुलाकात थी। तो इस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात का खंडन पूरी तरह से किया है। संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आज सीएम का जो कार्यक्रम था उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, अब वो एक सामाजिक सम्मेलन में शामिल न होकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जैसा कि हमारे आपने बताया भी कि दिल्ली में आज उनका बुलावा आया है, क्या इसके पीछे कुछ खास वजह है कि आज उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली के लिए 9 बजे रवाना हो जाएंगे? बल्कि दो बार बदला है आज यहाँ पर जिस तरीके से वो
आने वाले थे, तो वहीं उनका कार्यक्रम आया कि 9:10 पर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि हाईकमान की तरफ से बुलावा आया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर से कार्यक्रम स्थगित हो गया और अब दिल्ली वह नहीं जा रहे हैं। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाना अब निरस्त हो गया और अब यथावत हो गया और अब यथावत जिस तरीके से पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।